हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा। आज मैं आप सबके साथ साबुत मूंग से बनी बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूं। खाने में यह सब्जी इतनी टेस्टी है कि अगर आपने एक बार खा लिया तो इसे आप बार बार खाना पसंद करेंगे। तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। सब्जी बनाने के लिए हमने ले लिया है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, थोड़ी सी अदरक और 1 कप हमने हरी मूंग लिया है। मूंग को हमने 6 घंटे पहले ही भिगा दिया था, तो मूंग हमारी अच्छे से भीग चुकी है। हम ले लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में हम 1 ग्लास पानी डाल देते हैं और सारी सब्जियों को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। मूंग को भी डाल देते हैं और लीड लगा देते हैं 5 मिनट के लिए और पकने देते हैं। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। सारी चीज़ों को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, बस सॉफ्ट करना है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। तो जो हमने सब्जियां डाली थी, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, उन्हें हम अलग एक प्लेट में निकालेंगे और एक स्ट्रेनर ले लेते हैं। मूंग को हम स्ट्रेनर में छान लेंगे जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो अच्छे से छन जाएगा। और जो मूंग का पानी बचा है पकने के बाद, उसे हम बिल्कुल फेंकेंगे नहीं, एक बाउल में हम अलग ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस पानी को हम आगे यूज़ करेंगे सब्जी बनाने में। टमाटर को हम छील लेते हैं। सारी सब्जियों को थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं 5 मिनट के लिए। ठंडा होने के बाद हम बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे सारी सब्जियों को। ग्राइंडिंग जार लेते हैं। जार में हम सारी सब्जियां डाल देंगे और ग्राइंड कर देते हैं, एक फाइन पेस्ट सा तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सब्जियों को हमने अच्छे से ग्राइंड कर दिया है। एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं पेस्ट को। सब्जी के पेस्ट को हम साइड में रखेंगे। ग्राइंडिंग जार लेंगे। जार में हम बॉइल्ड मूंग डाल देंगे और जो सब्जियां पकाने के बाद हमारी पानी बचा हुआ था, उसी पानी का यूज़ कर रही हूँ मैं। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और मूंग को अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो मूंग भी हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हाफ टेबल स्पून नमक डाल देते हैं। 1/3 स्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल देते हैं। 1/3 स्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसे हम साइड में रखते हैं। फिर से हम एक कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में हम 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। 1/2 टेबल स्पून क्यूमन सीड्स डाल देते हैं। 1 तेज़पत्ता डाल देते हैं। 1/3 स्पून हींग डाल देते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को रोस्ट कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर डाल देते हैं। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डाल देते हैं। 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल देते हैं। प्याज टमाटर का जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था, उसे भी डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसाले के साथ पका लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश मिल्क क्रीम डाल देंगे। इससे हमारी सब्जी में क्रीमी टेस्ट आएगा। बॉइल्ड मूंग का बचा हुआ पानी जो था, उसे भी हमने डाल दिया है। 1 कप हम और पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। 1/2 टेबल स्पून नमक डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे और ग्रेवी में एक बॉयल आने देते हैं। ग्रेवी में बॉयल आ चुका है। दूध में ढकने वाली जो जाली होती है, उसे रख देते हैं कढ़ाई में। और जो हमने मूंग को ग्राइंड करके रखा था, उसकी हम छोटी छोटी बड़ियां बनाएंगे, बॉल्स ही बनाएंगे और रखते जाएंगे जाली में, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं रख रही हूँ। एक एक करके हम सारी बॉल्स को ऐसे ही रख देते हैं। तो हमारी सारी बॉल्स तैयार हो चुकी हैं। हमने जाली पे रख दिया है। जाली को हम लीड से ढक देते हैं। अच्छे से पकने देते हैं 5 मिनट के लिए।
गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। इससे हमारा दो काम एक साथ हो जाएगा, हमारी ग्रेवी भी नीचे पक रही है और हमारे ये बढ़िया भी पक रही है मूंग की। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। एक टूथपिक लेंगे और टूथपिक्स को हम डालेंगे बड़ी में और चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन निकल रही है, इसका मतलब है हमारी बढ़िया पक चुकी हैं। हम जाली को बाहर कर लेते हैं कढ़ाई से। सब्जी की ग्रेवी भी अच्छे से पक चुकी है, हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल देते हैं, मिक्स करेंगे अच्छे से और जो हमने मूंग की बढ़िया तैयार करके रखी थी उन्हें भी डालेंगे और मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए लीड लगा के पका लेते हैं हम सब्जी को। 2 मिनट हो चुके हैं, सब्जी अच्छे से पक चुकी है, गैस को हम ऑफ कर देते हैं। एक बाउल लेंगे, बाउल में हम सर्व कर देते हैं सब्जी को। बहुत ही टेस्टी साबुत मूंग की सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।